लीड रोल्स निभाना इतना इजी नहीं होता क्योंकि शो की स्टोरी 90-95% मेन लीड्स के अराउंड लिखी जाती है। बट शहजादा एक लर्निंग एक्टर का एटीट्यूड रखते हैं और वो बहुत स्ट्रांग भी है, इसलिए वो अपने अराउंड चाहे छोटा एक्टर हो या बड़ा, चाहे चाइल्ड आर्टिस्ट हो या फिर सीनियर एक्टर, सभी को अब्सॉर्ब करके कुछ न कुछ सीखते रहते हैं एंड उसी का रिजल्ट उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में अरमान के रोल से मिला। कैसा रहा शहजादा का बचपन से लेकर अब तक का सफर, क्यों फैंस ने कहा कि पहले एक्टिंग सीख के आओ, और अब तक कितने शोज का पार्ट रह चुके है शहजादा। शहजादा धामी के लाइफ से जुड़ी इसी तरह की काफी जानी अनजानी बातें मैं आयशा आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। शहजादा धामी का जन्म 8 दिसंबर 1996 को लुधियाना पंजाब के एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ था एंड 2024 के अकॉर्डिंग उनके एज 27 ईयर्स है। शहजादा का बचपन से ही सपना था कि वो एक एक्टर बने, इसलिए टिकटॉक के जरिए उन्होंने वीडियो बनाना शुरू करा। हालांकि एक वक्त के बाद जब टिकटॉक बैन हो गया तब शहजादा बहुत अपसेट हो गए और आगे जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गए। पहले शहजादा ने काफी सारे ऑडिशन दिए और स्किल्स पर बहुत वर्क करा पर उन्हें किसी ने अप्रोच नहीं करा। ऐसे टिकटॉक बैन होने से पहले शहजादा ने कलर्स टीवी के शो मुझसे शादी करोगी में काम करा था, पर इस शो का पार्ट बनने के बावजूद भी उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली जिसके थ्रू वो अपना टैलेंट को शो कर सके। लेकिन उन्हें इतनी नॉलेज जरूर हो चुकी थी कि इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है। वेल, इससे उन्हें इतनी हिम्मत जरूर मिल चुकी थी कि वो मुंबई में सरवाइव कर पाए। कतार हर बार रिजेक्शन फेस करते हुए और अपने पैशन को फॉलो करते हुए फाइनली ईयर 2020 में उन्हें स्टार प्लस का शो मिला जिसका नाम था ये जादू है जिन का। इसमें उन्होंने रेहान अहमद खान का सपोर्टिंग रोल प्ले किया था जिसे व्यूअर्स ने काफी पसंद किया। भले ये साइड रोल था पर उनकी एक्टिंग उस शो में इतनी बेहतर थी कि वो अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब हुए। बाद में उन्हें कलर्स टीवी के पॉपुलर शो छोटी सरदारनी में 20 साल के लीक के बाद परमजीत के रोल में देखा गया। शहजादा ने ये जादू है जिन का शो के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब साइड रोल प्ले नहीं करेंगे चाहे उन्हें नेगेटिव रोल्स ही ऑफर हो, पर वो लीड रोल्स ही प्ले करना चाहते थे। और उनके ये विश पूरी हुई दंगल टीवी के शो शुभ शगुन से जिसमें उन्होंने शुभ जायसवाल का मेन लीड प्ले किया था। पर उनकी लाइफ तब बदली जब उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है शो ऑफर हुआ जिसमें उन्हें समृद्धि शुक्ला और प्रतीक्षा होनमुखे के ऑपोजिट अरमान का मेन लीड मिला। वैसे तो ये शो उनकी माँ का फेवरेट शो है पर फिर भी शहजादा ने अपनी माँ को तब तक इस शो के बारे में नहीं बताया जब तक प्रोमो शूट नहीं हुआ, क्योंकि उनका मानना है कि ज्यादा डिस्कशन करने से वो चीज पूरी नहीं होती जिसका इंतजार आप बहुत लॉन्ग टाइम से करते हो। खैर, जब इस शो का प्रोमो रिलीज हुआ था तब व्यूअर्स शहजादा को ट्रोल करने लगे थे क्योंकि फैंस को हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर की केमिस्ट्री बहुत पसंद थी और सडनली लीप आने की वजह से वो शहजादा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कुछ फैंस तो उन्हें ये कहने लगे कि पहले एक्टिंग सीख के आओ, पर टाइम के साथ शहजादा ने सभी के दिलों को जीत लिया और अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया। वेल, बात करें शहजादा की पर्सनल लाइफ की तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम है और इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, पर शहजादा एक पंजाबी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां उनकी फैमिली में माँ के अलावा एक बड़े भाई भी है। शहजादा ने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन अपने होम टाउन से करी और वहीं के कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट किया। वैसे तो शहजादा सिंगल है पर फिलहाल उनका नाम ये रिश्ता क्या कहलाता है कि को स्टार प्रतीक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। वैसे आपको शहजादा अरमान के कैरेक्टर में कितने पसंद है और आपको समृद्धि के साथ उनकी जोड़ी पसंद है या फिर प्रतीक्षा के साथ, नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हमारी फैमिली से कनेक्ट जरूर रहे।